वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे फ्यूचर का टॉपिक मेरा ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जेट प्लांट है। जेट प्लांट एवरग्रीन प्लांट होता है। बस इसकी कुछ केयरिंग टिप्स पता होनी चाहिए ताकि हम इसको पूरा साल बहुत अच्छे तरीके से अपने पास ग्रो कर सकें। तो वो केयरिंग टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हम इसकी वाटरिंग पे बात कर लें। जेट प्लांट जो है वो सैकुलेंट फैमिली से लिंक करता है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अगर इसके अंदर ओवर वाटरिंग होगी तो ये हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और बिल्कुल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, इस टाइम मेरी सॉइल जो है वो हल्की हल्की सी मॉइस्ट हो रही है। तो इस तरीके से जब आपका सरफेस जो है वो ड्राई हो जाए, आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए और ख्याल रख के डालें कि बहुत ज़्यादा नहीं डालें कि नीचे से पूरा ड्रेन आउट हो जाए। बस थोड़ा सा डालें कि आपकी सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहे। आजकल गर्मियाँ क्योंकि ज़्यादा है, इसलिए ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल जो है इसको रख के भूल जाएं और इसके अंदर पानी ही नहीं डालें। और बिल्कुल वेल ड्रेन आपने इसके लिए सॉइल तैयार करनी है ताकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी होल्ड ना हो। 50% मैंने भालू मिट्टी यूज़ की है और 50% काव डक। और ये अंडे के छिलके जो आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये एक्स्ट्रा जो NPK का मैंने आप लोगों को बताया था वो इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। चाहें तो डाल लें, चाहें तो ना डालें, अप टू यू। और आप फर्टिलाइज़र जैसे सारे प्लांट्स में यूज़ करें तो इसके अंदर भी यूज़ कर लें, वरना कोई ख़ास इसको जो है फर्टिलाइज़र की नीड होती नहीं है। और अब डायरेक्ट इसके ऊपर जो है वो हम लाइट की बात करें तो डायरेक्ट सनलाइट इसको बहुत पसंद होती है, क्योंकि ये जो है वो सैकुलेंट फैमिली से लिंक करता है, इसलिए बाकी प्लांट सैकुलेंट प्लांट की तरह इसको भी जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है। आप इसको रोज़ाना 3 से 4 घंटे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख सकते हैं। बस देखना यह है कि इसके लीव्स को चेक करते रहें। ये देखिए, इसके लीव्स के साइज़ अगर इस तरीके से स्मॉल हो जाए तो समझ लें बहुत ज़्यादा जो है इस पर सनलाइट पड़ रही है। फिर आप इसको थोड़ा सा जो है वो कम टाइम के लिए रख दें और इस तरीके से आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आपके प्लांट के ऊपर सनलाइट जो है वो ज़्यादा पड़ रही है या फिर कम पड़ रही है। इसकी बॉन्साई भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत इसकी बॉन्साई बनती है और ये पूरा देखने में भी वैसे भी बॉन्साई की तरह ही लगता है। ये देखिए, मैंने इसकी कोई बॉन्साई नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी जो है ये बिल्कुल बॉन्साई की तरह ही जो है वो लुक दे रहा है। बस आप इसकी पिंचिंग करते रहें तो ये जो है बुशी सा हो जाएगा और बिल्कुल बॉन्साई का सा लुक देगा। ये देखिए, मैंने इसकी जगह जगह से पिंचिंग करी हुई है। किसी भी टाइम किसी भी मौसम में आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं, इसका कोई जो है वो सीज़न नहीं है। एक ही जेट प्लांट लिया है और इससे काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो अपने घर में तैयार कर सकते हैं। जब आप इसकी पिंचिंग करें, देखें जैसे मैंने इसकी जगह से पिंचिंग करी हुई है यहाँ से, तो मज़ीद इसकी 3 ब्रांचेस निकल कर आ गई। तो ऐसे आपका प्लांट भी बुशी हो जाएगा और इसकी पिंचिंग को एज अ कटिंग जो है वो आप यूज़ कर लीजिए। बस ये है कि थोड़ी सी बड़ी ले लीजिए, इतनी बड़ी ले लीजिए आप इसकी कटिंग, ऐसे पिंचिंग भी हो जाएगी और ऐसा कटिंग जो है ये लग जाएगी। और इस तरीके से एक प्लांट से हम बहुत सारे अपने प्लांट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। किसी भी मौसम में किसी भी सीज़न में आप इसकी जो है वो कटिंग लगा लें, बहुत इजीली जो है वो ग्रो कर सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरीके से इसकी कटिंग हम लगा सकते हैं। इसके स्टेम भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ये देखें, यहाँ से ग्रीन है और यहाँ से देखें ये पिंक पिंक शर्ट जो है वो शर्ट आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारा ये दिखने में अट्रैक्टिव सा जो है वो प्लांट होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपनी किसी और वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।